अगली कसूत खबर आई है चरखी दादरी। आदमी चाहे कितना ही बड़ा हो जाओ, कितना ही बड़े पद पर चले जाओ, लेकिन जिसी उसकी प्रवृत्ति है, जिसी उसकी सोच है, वह नहीं बदला करती। भारत में जातिवाद एक बूंदी बीमारी है, जो जिंदे जिए नहीं, मरने के बाद भी नहीं जानती। लोगों के दिला में जो जाति का जहर है, यो जान का नाम नहीं ले रहा। इवे किसाए मामला आया है चरखी दादरी। चरखी दादरी में डीसी के खिलाफ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने पे एक आईएएस अफसर का पिता इनेलो नेता गिरफ्तार कर लिया है। बात केस है कि दादरी में कुछ समय पहले व्यापारियों ने बाजार बंद का आह्वान किया और इस बाजार बंद के दौरान व्यापारियों के धरने पे एक आदमी ने डीसी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल होने लग रहा है। बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात कृषि विभाग के एसडीओ जितेंद्र कुमार ने इस संबंध में पुलिस ने शिकायत दी थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने इनेलो नेता अशोक स्वामी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इनेलो नेता DSP हेडक्वार्टर अशोक कुमार ने भी केस दर्ज करने के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि धरने के दौरान दादरी की डीसी प्रीति पे अशोक कुमार नाम के एक व्यक्ति ने आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी। दादरी की डीसी प्रीति 2015 बैच की IAS अधिकारी है और कमाल की बात यह है कि 2015 बैच का है सौरभ स्वामी, जो कि इसे बैच का IAS अधिकारी है, उसके पिता हैं अशोक कुमार, जिसने डीसी महिला पर यह आपत्तिजनक टिप्पणी करी। बात ये थी कि दादरी में व्यापारियों ने 24 तारीख ने व्यापार मंडल चरखी दादरी ने बंद के दौरान अशोक स्वामी ने डीसी दादरी प्रीति, जो कि अनुसूचित जाति से संबंध रखे, उनके बारे में जाति सूचक शब्द कहे थे और कहा था कि यह डीसी हरिजन कोटे ताओ है। इसने अंदाजा कि सैकोनिर कोटे तक डीसी लग रही है। न सिर्फ डीसी का अपमान कराया बल्कि समस्त अनुसूचित जाति का भी अपमान कराया। घटना के बाद में पूरे SC समाज में रोष का माहौल है।